नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए अति संभावित प्रश्न को लेके आए हैं जो पेट से रिलेटेड है। पेट में आने वाले प्रश्न से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला यहाँ पे देखिए लिखा है कि भारतीय इतिहास से प्रश्न है। किससे है? भारतीय इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री। कितने नंबर का आएगा? तो 5 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1920 में, 1922 में, 1911 में। तो जो हड़प्पा की सभ्यता की खोज है वह हमारा 1921 में हुआ था। कितने में हुआ था? तो 1921 में। ए ऑप्शन हमारा क्या होता है यहाँ पे? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि 1921 हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और बन गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम सोहनी द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बताइए? क्या महावीर स्वामी को कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है, या गौतम बुद्ध को कहा जाता है, या कृष्ण को कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1527, 1528, 1529। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का जो युद्ध था वह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे किसके बीच लड़ा गया था? तो यह हमारा बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। तो यह जो संबंधित है यह हमारा कहां से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहां पे? सही हो जाएगा। चलिए किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्री गुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने। महाधिराज की उपाधि किसने प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की स्थापना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, देखिए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो यह जो बना था यह राष्ट्रीय आंदोलन गीत वंदे मातरम कब बना था? तो यह हमारा बना था 1 ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। क्या? स्वदेशी आंदोलन। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? यहाँ क्वेश्चन है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार जो था वह हमारा अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। इसी समय हमारी जो दिल्ली की राजधानी थी वह भारत की राजधानी जो थी वह क्या हुआ था यहाँ पे? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलकर गई थी। कब? 1912 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया।
अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब विभाजन के समय भारत का वायसराय जो था वह कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना क्या 1905, 1909, 1913, 1919 में? तो यह हमारा जो हुआ था 1913 में, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है। कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? सोहन सिंह थे, सोहन सिंह भक खाना थे। चलिए, अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। यह ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आपसे भूगोल का जो प्रश्न है इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि नागर होल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नागर होल जो नेशनल पार्क है वह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह मंसूरी में है, या नई दिल्ली, या नागपुर, या देहरादून। तो यह हमारा देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कालीओम तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायू हिमालय। तो काली और तिस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का भाग है वह नेपाल हिमालय में पड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करिए, 30 क्वेश्चन है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक धुरी कहाँ पर स्थित होती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा, ध्रुव पर। तो यह 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी होती वह ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। क्या? कर्क रेखा पर स्थित होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की जनगणना का लघु विभाजन, भारत की जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कौन सा? 1921, 1951, 1872, 1991। तो इसमें हमारा जो भारत की लघु विभाजन वर्ष होता वह 1951 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, इंडियन इकोनॉमी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन अभी पूरा नहीं दिख रहा है, अब देखिए पूरा क्वेश्चन दिखेगा आपके सामने। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है, विनिमय दर होता है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, प्राथमिक उधार दर। तो वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेपो दर। क्या कहते हैं? रेपो दर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसे कहा जाता है तृतीयक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तृतीयक। ठीक, चलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? 1970 से 1971, 1993 से 1994, 1999 से 2000, 2001 से 2002। तो इसमें भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा 1999 से लेके 2000 तक, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या होता है? तो 1999 से 2000। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी। तो इसमें हमारा जो गरीबी रेखा के नीचे मानने वाला है तो 2100 कैलोरी होता है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो इसमें अंत्योदय जो कार्यक्रम का उद्देश्य होता है वह हमारा होता है उद्देश्य गरीबी परिवारों की सहायता करना, या जो गरीब परिवार होते हैं, गरीबी
या गरीब जो लोग होते हैं उनके परिवारों की सहायता करना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन होते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की ग्रामीण अनुसूची संबंधित है पंचायती राज में, नगर पालिका में, केंद्र राज्य संबंध से, दल बदल कानून से। तो भारतीय संविधान की ग्रामीण जो अनुसूची है वह संबंधित है पंचायती राज से, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 155, 156। तो इसमें जो हमारा होता है ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, किस राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 21-22 और 20-21। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 और 21 को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था, 1905 में, 1909 में, 1911, 1920। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था, 1905 में, 1909 में और 1911, या फिर हमारा 1920 में। तो हमारा मार्ले मिंटो सुधार वह जो है 1909 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, भारत का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 15 अगस्त 1945 में, 26 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1950, 28 जनवरी 1950 में। तो इसका जो उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था वह 28 जनवरी 1950 में किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सामान्य विज्ञान से भी कितने प्रश्न रहेंगे, यहाँ पे आप सभी को 5 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, किससे, सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप, 26 नंबर का। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था, मार्क आरोसोन ने, ओलास रोमन ने, एडिसन हम्बल ने, टाइको ब्रोह ने। तो बताइए किसने मापा था, तो इसमें ओलास रोमन ने नापा था गति की, किसने मापा था, तो ओलास रोमन ने मापा था। चलिए अगले क्वेश्चन को, तो बी ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, पटेला, स्टेपीज, टीबिया, फीमर। तो इसमें स्टेपीज होता है, बी नंबर हमारा यहाँ पे सही होगा। ये सबको पता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज। चलिए, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है, पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड। तो जो आंख का रंग का निर्धारण करने की बात किया जा रहा है तो यह आइरिस करता है, कौन करता है, आइरिस, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, निष्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण, भंजन। तो समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, सी नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, कवक के, शैवाल के, विषाणु रोग, जीवाणु। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वह कवक के द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो कवक के द्वारा होता है। तो ये आज थे आप सभी को लिए पेट से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस थे, किससे रिलेटेड, पेट से रिलेटेड।
इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।